हे गाइस, स्वागत है आपके मेरे चैनल में एक और फिर से। और आज मैं खेलने जा रहा हूं वंस अगेंस्ट फैज़मोफोबिया। और आज के वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूं कंप्लीट करने की मेरा वीकली टास्क जो है अर्न परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन बोनसेस और नाइटमेयर और हार्डर। सो या इस वाले वीडियो में बेसिकली मैं खेलने जा रहा हूं नाइटमेयर मोड में एज आई सेड अर्लियर। और मैं ट्राई करने वाला हूं इसको कंप्लीट करने की। बाय द वे, आई जस्ट कंप्लीटेड द चैलेंज मोड यस्टरडे। लाइक यू कैन सी, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय चैलेंज मोड। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक फ्रेंड को स्ट्रीम कर रहा था, सो इट वाज अ प्राइवेट गेम काइंड ऑफ। बट एनीवेज, मैं आज करने वाला हूँ नाइटमेयर मोड में इस गेम को कंप्लीट, क्योंकि मैंने नाइटमेयर मोड में आज तक भी खेला नहीं है। सो इंसैनिटी तो दूर की बात है सिंस आई एम अ नूब। राइट, आई हैव टू यू नो ट्राई माय लेवल बेस्ट। तो एनीवेज, मैं अपना सारा का सारा इन्वेंटरी ऐड कर देता हूँ। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके अदर देन दी वीक फ्लैशलाइट। ओके, ठीक है, सब बढ़िया है। और मैं ट्राई करने वाला हूँ, सबसे पहले टैंगलवुड में करते हैं क्योंकि वो एक छोटा मैप है। एंड देन मैं विलो स्ट्रीट में करने वाला हूँ। एंड यू नो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है हाउस मैप्स में खेलने का, बिकॉज दे आर प्रीटी स्मॉल एंड मैं वैसे भी इतना ज़्यादा खेला नहीं हुआ गेम स्पेशली इन दी बिग मैप्स, तो इसलिए मैं ट्राई नहीं करता हूँ बिग मैप्स को। बट एनीवेज, सम टाइम इन द नियर फ्यूचर आई विल डेफिनेटली ट्राई, स्पेशली वंस आफ्टर माई CBSE बोर्ड्स कंप्लीट, आई माइट एज वेल स्ट्रीम गेम्स एज वेल। बट एनीवेज, दोज आर जस्ट थ्योरीज, डिपेंड करता है कि इसके बाद क्या होता है मेरा। बट एनीवेज, लेट्स एंजॉय द वीडियो फॉर नाउ। ओके, तो मैं आ चुका हूँ गेम के अंदर, और मैं गेम के अंदर हूँ, ट्रक के अंदर भी हूँ मैं। मेरा कोई जीरो ग्रेस पीरियड है, जीरो ग्रेस पीरियड क्या है, जीरो सेटअप टाइम है मेरा। पहले मेरे को पता नहीं था कि ग्रेस पीरियड और सेटअप टाइम के यू नो बीच में डिफरेंस क्या होता है, बट आई गेस आई फाइनली रियलाइज नाउ। एनीवेज, तो मैं EMF रीडर लेता हूँ और एक कैमरा भी ले लेता हूँ। ओके, एंड देन लेट मी जस्ट टेक दिस वन एंड गो। तो मेरी सैनिटी जो होती है वो होती है 75%, विच इज़ यू नो लेस देन 100, बट डेफिनेटली इट पुट्स मी एट अ वेरी ह्यूज डिसएडवांटेज। सो 75% सैनिटी से क्या होता है कि जो घोस्ट है वो लाइक दो गुना ज़्यादा तेज हंट करना स्टार्ट कर देगा। By the way, did you just hear कि किसी ने कुछ फेंका है? Okay, so the breaker box is turned off. मैं breaker box को ऑन करके आता हूँ। I really hope breaker box, you know, उसमें है गैराज में। गेम की ब्राइटनेस बहुत कम है मेरी। ओके, नेवर माइंड, ब्रेकर बॉक्स गैराज में नहीं है। सो आई गेस मुझे इधर जाना होगा। ऐसा टाइम मेरा थर्मोमीटर चाहिए होता है, लेकिन कोई नहीं, मैं सीख रहा हूँ बिना थर्मोमीटर के खेलने, बिकॉज या इट इज़ एक्चुअली ए गुड थिंग टू डू। सो मैं क्या बोल रहा था, हाँ ठीक। अबे 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 अबे, आर यू हंटिंग ए डीमन? वाज दैट अ फ्रिकिंग डीमन? डोंट टेल मी। नाइटमेयर में स्टार्टिंग सैनिटी या तो थे था या तो डीमन था। आई एम गोना बेट कि ये एक थे था, लेकिन डीमन भी हो सकता है क्योंकि इट वाज वेरी वेरी एग्रेसिव। हाँ, ये डीमन था भाई, मतलब वेल ओके, ऑल राइट, आई मीन आई गेस आई डिड डू द थिंग यू नो, सो या इट इज़ गुड। मैंने डीमन, आई मीन ऑब्वियस ही बात है, इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस कि ये डीमन था। द थिंग इज कि अब मुझे लाइक अपना सामान फिर से ऐड करना होगा। आई थिंक मेरे पास कैंडल्स नहीं है, राइट, कैंडल्स नहीं, कैंडल खरीद लेता हूँ मैं। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ एक बार फिर से, वंस अगेन इन द ट्रक और वंस अगेन बिगिनिंग आउट नाउ। इवन दो पहला जो हंट था, आई मीन पहला जो गेम था वो थोड़ा सा अनसक्सेसफुल टाइप का था, लेकिन आई गेस इट वाज ओवरऑल विन क्योंकि मैंने डिस्कवर कर लिया था घोस्ट टाइप। आई मीन नेचुरली यू नो लाइक मैंने डिस्कवर कर लिया था घोस्ट टाइप, सो मुझे पॉइंट्स मिले थे। तो हाँ, एक बार तो मैंने कर लिया है वीकली चैलेंज, एंड देन मुझे वो भी करना होगा, क्या कहते हैं, और दो बार भी करना होगा। अब आई डोंट थिंक कि ये मैटर करता है कि किस वाले रूम या किस वाले मैप में मैं करता हूँ ये चैलेंज, सो इट्स ओके। आई थिंक इज दैट अ घोस्ट ऑर्ब? नहीं, घोस्ट ऑर्ब नहीं है, केटल का रिफ्लेक्शन मुझे घोस्ट ऑर्ब की तरह लग रहा था। एनीवेज, व्हाटएवर, इधर पे कोई घोस्ट ऑर्ब नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है कि घोस्ट ऑर्ब है नहीं, बट लेकिन यू नो मैं पहले पूरे मैप में लाइक चेक कर लेता हूँ घोस्ट ऑर्ब के लिए, और वैसे भी ये फ्लैश लाइट की तरह काम करता है मेरे लिए, सो इट्स ओके। हाइडिंग स्पॉट है क्या इधर? इधर हाइडिंग स्पॉट नहीं है, वेरी नाइस। घोस्ट इधर साउंड कर रहा है क्या बे? आई गेस नहीं, इधर तो साउंड नहीं कर रहा। अब मुझे एग्जैक्टली नाइटमेयर मोड का सेटिंग पता नहीं है, प्रोबेबली बिकॉज आई एम ए वेरी बिग डंबास, क्योंकि मैंने सेटिंग देखा नहीं था नाइटमेयर मोड का वाइल स्टार्टिंग दिस गेम।
सो मुझे पता नहीं है कि रोमिंग फ्रीक्वेंसी हाई है या लो है या चेंजिंग फेवरेट रूम कितना लाइक वो है. ऑफ कोर्स इट इज नॉट इन द गैराज, आई मीन फ्यूज बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं. मैं जब ये गेम खेलता हूँ ना, मैं तो दिमाग खराब हो जाता है कि क्या ना क्या हो रहा है. ओके ऑल राइट, आई गेस मुझे थर्मोमीटर लाना चाहिए. ठीक है, ये बेहतर, ये वो बेस्ट होगा. इससे मुझे पता लग जाएगा कि आखिर वो क्या रहा है. वो इज दैट नो, आई मुझे लगा वो बोन मिल गया मुझे. अच्छा मिल गया मुझे एक एंड दो इसको. अबे अबे अबे, ये मैं फाइव चला गया नाइन पे. ये मैं फाइव हो गया लॉल. ये मैं फाइव का एक फोटो ले लेता हूँ मैं. नाइस. सो फिंगरप्रिंट है क्या? इंटरेक्शन इंटरेक्शन, नो फिंगरप्रिंट. तो फिंगरप्रिंट काट दूँ क्या? नहीं, अगर उबा के होता है तो भी लेट में दे देता है फिंगरप्रिंट. लेकिन देन अगेन मैंने लाइक ऑलमोस्ट इंस्टेंटली लाइक वो कर दिया था. ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मैंने चेक कर लिया था फोटो यूज़ करके कि फिंगरप्रिंट है या नहीं. आई गेस मुझे टाइम नहीं मिला. इधर रख देता हूँ मैं उसको. ओके ऑल राइट, रख दिया मैंने इसको भी. इधर रख देता हूँ. लेट मी जस्ट सी कि इस एरिया में है या नहीं है, या फिर इधर है. 13 नॉट दिस वन, दिस वन. हाँ यही है, ये है क्या? ये नहीं है. कंफ्यूज मत करो यार इसको. ज़रा एक मिनट इधर रखता हूँ और इस साइड का लाइट भी ऑन करता हूँ मैं. साथ गया था उस वाले कमरे में. इस वाले कमरे में कुछ है क्या? नथिंग इन हेयर. बाय द वे मैं बोन ढूंढने में इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाला हूँ. बोन मिलेगा तो अच्छा है, नहीं तो नहीं. ठीक है, क्योंकि मेरा काम है घोस्ट का टाइप आइडेंटिफाई करना, नॉट परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन करना. सो या देयर इज दैट. मैं फटाफट से एक और क्रूसिफिक्स लाता हूँ और डॉट्स लाता हूँ अपना, और वीडियो कैमरा एक और उठा के लाता हूँ. नहीं, वीडियो कैमरा तो है ही मेरे पास, ये लेता हूँ. ओके एंड क्रूसिफिक्स, लेट्स गो. ओके तो क्रूसिफिक्स में लगा लेता हूँ इधर ऐसे. अच्छा बुक, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ यार, मैं बुक इधर क्यों लेके आया? जब लेके आ ही चुका हूँ तो इधर कर देता हूँ मैं. तो मेरा EMF लेवल 5 मिला है राइट? यार EMF लेवल 5 ऑनरी हो तो भाई क्वेश्चन में ही नहीं है. सो ऑनरी टेस्ट करने की बात भी नहीं है. ओके वेर आर यू? आर यू क्लोज? कैन यू हियर मी? आर यू फ्रेंडली? ओके वेट, व्हाट द हेल. एक दो फिंगरप्रिंट मिल गया. देखा, मैंने बोला था आई थिंक वो बाक है. मेरे को लग रहा है कि वो बाक है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम फिंगरप्रिंट दिया था, दिया नहीं था या तो छुपा लिया था. सो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि ये वो बाक है. थर्ड एविडेंस क्या है इसका? घोस्ट ऑर्ब है ना, वो भी चेक कर लेता हूँ. लेकिन अगर घोस्ट ऑर्ब है, फिंगरप्रिंट है, मेमोरी तो हो सकता है ना वैसे. सो मुझे रीजिंग टर्म्स का ध्यान रखना होगा. बोन मिल गया मुझे. चलो ये भी ठीक है. आई थिंक मेरा वीडियो कैमरा मैंने इधर फेंक रखा था. नहीं, वीडियो कैमरा किधर है मेरा? तो मैंने वीडियो कैमरा एक और नया लगा दिया है एंड जस्ट इन केस मुझे उबाके का फिंगरप्रिंट चेक करना है. सो यू नो मैंने एक वो लगा दिया, ग्लो स्टिक ले लिया, लगा दिया क्या बोलता हूँ मैं. क्योंकि उबाके, जिन लोगों को नहीं पता है, उबाके जब फिंगरप्रिंट छोड़ता है ना, तब लाइक उसका फिंगरप्रिंट में 6-6 उंगलियाँ दिखता है. एंड अगर उसके थोड़ी देर बाद उसने चेंज कर लिया फिंगरप्रिंट, 5 उंगली कर दिया, तो फिर आपको पता समझ में आ जाएगा कि वो बाके है. आई मीन इट्स एक्चुअली ईजियर सेट देन डन. कि वो दिखाना बहुत मुश्किल है क्योंकि देर इज़ अ वेरी रेयर चांस ऑफ दैट हैपनिंग. आई डोंट रियली सी एनी घोस्ट ऑर्ब. डज दैट मीन ही चेंज द रूम? लेट मी जस्ट सी. इस पूरे इलाके में है क्या, या फिर सिर्फ उसी रूम में है? ओके सो उबाके नहीं भी हो सकता है. ठीक है, मैं जस्ट टू बी श्योर मैं इसके ऊपर ये रख देता हूँ एंड देन मैं इसके ऊपर ये रख देता हूँ. बढ़िया है, सही है. बाय द वे मेरा एक और जो कैमरा था वो लाइक उसी में रह गया है. एक मिनट रुको, कौन सा बोला डोर टच किया इसने? ओके तो इसने ये वाला डोर टच किया है, लेकिन इसमें कोई फिंगरप्रिंट नहीं दिख रहा मुझे. खैर कोई नहीं,
फोटो ले लेता हूँ मैं. तो आई गेस कि उबाके नहीं है तो क्या गोरियो है क्या भी? आई थिंक सो कि गोरियो है क्योंकि वेल ये इसी जगह में रूमिंग कर रहा है. ठीक है वो लाइक अपना फेवरेट रूम चेंज नहीं कर रहा है. इज इट द सेम रूम? वेट अ मिनट, नो रूम चेंज हो गया है. ओ भाई ये तो गदर स्कैम हो गया भाई. ये गोरियो तो मतलब बिल्कुल भी नहीं है. ओके सो इट इज़ नॉट ए गोरियो. लेकिन रूम चेंज होके बना कौन सा है? ये वाला? इज इट हंटिंग? व्हाट द हेल? ओके ऑलराइट स्टूपिड घोस्ट, वेरी स्टूपिड घोस्ट. सो ये है क्या? अबे हॉन्टेड रूम कौन सा है भाई फिर? ओके सो इवेंट के बाद इसने फिर से रूम चेंज कर दिया क्या? या फिर ये इधर है? ना नहीं ये इधर है. ओके सो आई थिंक ये गोरियो नहीं है क्योंकि उसने अपने फेवरेट रूम चेंज किया है. सो गोरियो तो भाई मैं काट देता हूँ. अब रहता है जिन और माइलिंग. माइलिंग का टेस्ट करने का बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि मैं एक हंट ट्रिगर करूँ और फिर मैं उसका स्पीड सुनूँ एक हाइडिंग स्पॉट में बैठ के. दैट इज़ लाइक द बेस्ट थिंग. स्पीड तो नहीं मतलब उसकी आवाज़ सुनूँ हाइडिंग स्पॉट में बैठ के. अब यहाँ पर बैठना तो भाई सरासर पागलपंती है क्योंकि सीधी सी बात है इधर पे अगर मैं बैठूँगा तो हॉन्टेड रूम भी यही है. सो यू नो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इधर बैठूँगा तो मेरा कट जाएगा. अब कर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरा वो भी देखने लायक है. मैं एक मिनट ये लेता हूँ. तो कर्स्ट ऑब्जेक्ट मेरा कौन सा है वो भी देखना होगा मुझे एक बार. सो ना ये तो मिरर नहीं है. प्लीज़ ये मत कहना कि मेरे को म्यूजिक बॉक्स मिला है. मैं रो दूंगा भाई. इज इट म्यूजिक बॉक्स? तो बड़ी इट्स नॉट म्यूजिक बॉक्स आई गेस क्योंकि म्यूजिक बॉक्स होता तो इधर रहता. वुडू डॉल है क्या? टैरो कार्ड्स मे बी? नॉट टैरो कार्ड्स. ओके अरे बस करना भाई क्या कर रही है. मैं 5 लगाया. ओके ऑलराइट ले लो फोटो. जितना तस्वीर खींचूंगा उतना अच्छा है मेरे लिए. प्लीज डोंट टेल मी इट इज अ वुडू डॉल. थैंक यू वेरी मच. मंकी पॉज मिला है क्या मेरे को बाय एनी मींस? आई थिंक सो. नहीं मंकी पॉज भी नहीं है तो है क्या भाई फिर? समरिंग सर्कल? अरे बेसमेंट में गया तो था मैं दिखा तो नहीं वैसे मेरे को. या नहीं उजी बोर्ड? हाँ उजी बोर्ड है भाई यार. ये भी ठीक है तो मुझे ओजी बोर्ड लेना होगा. अबे यार मेरा सैनिटी कितना है मुझे वो भी नहीं पता. सो आई गेस कि बिफोर स्टार्टिंग द हंट मुझे सैनिटी फिल खा लेनी चाहिए बिकॉज मुझे नहीं पता मेरा सैनिटी कितना है. सो राइट अब इट इज़ वेरी पॉसिबल कि बोम जिस रूम में स्पॉन होगा उस रूम के हाइडिंग स्पॉट्स चेक करेगा. सो मैं वो करने वाला हूँ. मैं क्या करने वाला हूँ? मैं एक दूसरा हाइडिंग स्पॉट ढूंढने वाला हूँ. बेसमेंट में है एक हाइडिंग स्पॉट लेकिन वो इतना सिक्योर नहीं होता. सो इज देयर एनी मोर हाइडिंग स्पॉट फॉर मी ब्रदर? इधर नहीं ये तो नहीं है. ये भी नहीं है. कौन सा है भाई? गैराज में आई गेस. ए भाई ये क्या हो गया? ये भी ठीक है भी. ओ भाई ओ नहीं 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 नहीं. जिन मार्क करो. जिन मार्क करो. ओ भाई क्या हो रहा है? मेरा आज का दिन ही खराब है. हंट क्यों हो रहा हूं मैं इतना ज्यादा? तो अब बहुत ही 50-50 चांसेस है कि जिन है या उबाके है. अब आई थिंक उबाके है क्योंकि हाँ भाई जिन. ओ वाह भैया आज का मेरा किस्मत ही अच्छा. उबाके हो सकता था क्योंकि मेरे को फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा था इवन दो डो टच कर रहा था. एंड उबाके का ये कॉमन वो है कि लाइक वो डो टच करता है तो फिंगरप्रिंट हटा देता है. तो या दैट्स 2 इन अ रो. सो वी आर डूइंग ग्रेट सो फार. ओके सो वी आर बैक एंड दिस टाइम वी आर प्लेइंग एट विलो स्ट्रीट. सो यू नो बाई सम मिराकल बाय द वे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया मेरा फ्लैश लाइट काम करता है लेकिन मैंने फ्लैश लाइट यूज़ नहीं किया. वाओ सच अ बिग ब्रेन आई हैव. खैर कोई नहीं
हैविंग अ बिग ब्रेन इज समथिंग विच इज नॉट सो नॉर्मल, आई मीन नॉट सो अनकॉमन फॉर मी, एंड आई रियली होप यू गेट माई सार्केज्म. मैं अपने आप की तारीफ तो कतई नहीं कर रहा हूँ. सो एनी वेज वट एवर 75% सैनिटी या सैनिटी ड्रेन का स्पीड आई थिंक 150 समथिंग लाइक दैट होता है या 100 ही होता है आई थिंक. मुझे नहीं पता कि मैं दो गेम्स खत्म करने के बाद क्यों बोल रहा हूँ ये सैनिटी वाली सीन, बट कोई नहीं वट एवर. सो कौन सा कर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? अबे हाँ यार, लास्ट वाले गेम में कर्स्ट पोजिशन कौन सा था? और भाई वो घोष ने हार्ट क्या है होता है भाई, स्टार्ट कर दिया था हंट करना. यार ये तो भाई बहुत ही लाइक सीरियस इशू हो गया यार, क्योंकि मैंने बोला था मुझे पता है कि हंटिंग वो स्टार्ट करेगा लाइक बहुत ही जल्दी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी स्टार्ट कर देगा. लाइक ओके आई गेस दैट आई हैव बीन फूल्ड क्वाइट अ बिट. किधर है वैसे? मैं काम करता हूँ, मैं ना इसको इधर ही फेंक देता हूँ, फटाफट से थर्मोमीटर या कुछ लाता हूँ. जो भी डोर इसने टच किया है उसको मैंने एक वो कर देता हूँ. इधर है आई गेस नॉट. टैरा कार्ड्स नहीं है, ये नहीं है. सो और क्या है हो सकता है वैसे? ये नहीं, ये भी नहीं है. मंकी पॉस नहीं है, टैरो कार्ड नहीं है. अगर इन लोगों ने मेरे को समरिंग सर्कल हाथ में फैला दिया ना, मैं अभी कसम से मार दूंगा. मैं कसम से कह रहा हूँ मैं मार दूंगा. What the? ये तो बहुत ज़्यादा पास में टच हुआ था. किधर टच हुआ वैसे? इधर हुआ था टच, ये तो बहुत ही पास में टच हुआ था मेरे. ये रहा. ऐसे ऐसे नाइस, वेरी गुड. अब इस जगह का लाइट ऑफ करके मैं चेक कर लेता हूँ घोस्ट और मिलता है या नहीं. लाइट किधर है? इधर है लाइट. ओके तो लाइट इधर है, दिख तो नहीं रहा वैसे घोस्ट और. आई एम नॉट रियली इवन. हाँ ये है, यही है. हाँ उसने शू फेंका था, इफ यू इन केस डिड नॉट सी इट, उसने एक शू फेंका था. कोई नहीं, होता है. मैं एक नया वो लाता हूँ, कैमरा लाता हूँ, एक थर्मोमीटर लाता हूँ और एक क्रूसिफिक्स लाता हूँ. वो ये सही है बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट. एंड बाय द वे मुझे पता भी नहीं है कि ये रूम है या नहीं. ऐसा भी हो सकता है कि ये फेवरेट रूम चेंज कर दिए. बाय द वे आई जस्ट रियलाइज वन थिंग कि मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स है मैंने इनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया. डिटेक्ट पैरानॉर्मल साउंड विद अ पैराबोलिक माइक्रोफोन कर तो सकता हूँ वैसे, लेकिन अभी करने का कोई मन नहीं है. सो मैं ये करता हूँ और क्या बोल रहा था, कैमरा. नाइस. ओ हाँ बाय द वे फिंगरप्रिंट मिला है क्या मुझे? इंटरैक्शन व्हाट द हेल, मेरे को भी एक भी बार वो नहीं मिला. इंटरैक्शन काउंट तो हुआ था भाई. क्या है ये, क्या सीन है इसका? चाहिए क्या तुम्हें? हाँ भी रुको, इधर है टच. कौन सा? क्या भी ये वाला? ये टच कौन सा कर रहा है भाई? अगर ये सब नहीं है तो फिलहाल तो इधर रख देता हूँ मैं इसको, देखते हैं ये है या नहीं है. लग तो हाँ ये है. ओके तो मैं आ चुका हूँ इधर एक और बार फिर से. और मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि ये जब इतनी बार डोर टच कर रहा है, इज इट पॉसिबल फॉर इट टू बी एन यूरे? इट इज़ वेरी पॉसिबल इट इज़ एन यूरे, क्योंकि यूरे बहुत ज़्यादा डोर टच करता है. और वो जब डोर टच करता है तब उसमें लाइक एक ओवरलैपिंग का नॉइज आता है डोर्स का, यू नो, लाइक दोनों डोर साथ में टच किया है विद इन वन सेकेंड, ऐसा कुछ सीन होता है. उसका एक एबिलिटी होता है स्पेशल. लेकिन वन सेकेंड और दल. ओके ओके ऑलराइट ऑलराइट, आई गॉट स्केयर्ड बाय माय ओन ब्रेथ. प्लीज मुझे वो दिखाओ. एक और दो. ईएमएफ कितना बड़ा है? ईएमएफ तो खैर ठीक है, नो इश्यूज एट ऑल. वैसे क्या है, फिंगरप्रिंट है क्या? फिंगरप्रिंट नहीं है या फिर है? आई डोंट नो मैन, दिस गेम समटाइम्स मेक्स मी क्वेश्चन माई लाइफ. क्योंकि पता नहीं क्या होता है, नॉर्मली तो यार दो बार इंटरेक्शन का काउंट होता अगर दो बार पिक लेता. और अगर फिंगरप्रिंट होता तो एक में इंटरेक्शन और एक में फिंगरप्रिंट आ जाता, लेकिन आई गेस कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं. ओके तो इधर मैं एक और लगा देता हूँ, एंड द नेक्स्ट टाइम इट टचेस दिस प्लेस ये अपने आप लाइक जल जाएगा.
मैं लेने वाला हूँ एक सॉल्ट और एक स्पिरिट बॉक्स। वैसे मैं वो भी ले सकता था, क्या कहते हैं, कैंडल भी ले सकता था, क्यों था, जस्ट इन केस इट्स नॉन रियो। अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं है कुछ खास एविडेंस, जबकि मुझे 0 पॉइंट समथिंग टेम्परेचर देखने को मिला था। इफ़ आई इवन अज्यूम कि ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है, फिर भी बहुत कुछ आता तो है यार। वैसे यूरे होने का चांसेस है मुझे लग तो रहा है, लेकिन फ्रीजिंग टेम्परेचर अभी तक दिया नहीं है, सो आई कैन नॉट रियली से मच अबाउट इट। खैर कोई नहीं, द ओनली लॉजिकल थिंग आई कैन थिंक अबाउट इफ मैं जानबूझ के हॉन्टेड मिरर को तोड़ दूँ एंड देन व्हाट द हेल, इट इज फिंगरप्रिंट, ओके ऑल राइट, वेयर द हेल डू दिस फिंगरप्रिंट्स गो, लेट मी जस्ट सी। सो फिंगरप्रिंट्स तो है अभी, ओके, आर यू क्लोज, आर यू देयर, आर यू फ्रेंडली, मैं डिटेक्ट नहीं कर रहा ये मेरा, इधर करता हूँ आई गेस, ओके 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 ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। फिर कोई नहीं, ओके वैसे फुटस्टेप्स का फिंगरप्रिंट काउंट होते हैं, मुझे पता नहीं है। ओके आई सॉ डॉट्स, आई सॉ डॉट्स, तो मुझे दो एविडेंस मिल चुके हैं। आर यू क्लोज, आर यू फ्रेंडली, वेर आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, कैन यू हियर मी, मेरा माइक को क्या हो गया, मेरा अभी तो काम कर रहा था। ओए ओके वेल आई डोंट रियली नो कि मेरे माइक को अचानक से क्या हो गया, कौन से दौरे पड़ गए इसको क्या। ओके तो स्पिरिट बॉक्स तो मिल गया, तभी सभी तो मिल गया ना मुझे, एक मिनट रुको, फिंगरप्रिंट मिला मुझे एंड घोस्ट मिला एंड स्पिरिट बॉक्स मिला, फैंटम है, नाइस, इजी, वेरी इजी। आई रियली होप कि कोई घोस्ट और छुपा के नहीं रखा था इन लोगों ने, मैं आई एम नॉट इवन श्योर, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, लेट मी जस्ट चेक वंस घोस्ट और है या नहीं है, वैसे तो होना तो नहीं चाहिए यार। यू नो वट, लेट्स गेट द एफ आउट ऑफ हियर, इट जस्ट मेड समथिंग वाइब्रेट एंड डेट स्केयर्ड द लिविंग हेल आउट ऑफ मी। ठीक है मैं आ चुका हूँ वापस इधर, द रीज़न मैंने उस रूम का लाइट ऑफ किया था क्योंकि मुझे देखना था कि घोस्ट और भैया नहीं, फिलहाल तो मुझे दिख नहीं रहा घोस्ट और, घोस्ट और होता तो दिख जाता है वैसे इतने से रेंज में, कोई नहीं घोस्ट और नहीं, सो आई गेस इट इज़ अ फैंटम, बाकी जो होगा देखा जाएगा तो भगवान के ऊपर है। प्लीज़ आई थिंक दिस इज द ओनली इन्वेस्टिगेशन जहाँ से मैं जिंदा लौट के वापस जा रहा हूँ विदाउट लूजिंग माई आइटम्स, क्योंकि मेरे पास $20,000 थे इस गेम में, लेकिन जब से मुझे सुनाई दिया कि व्हाट द हेल, आई सी हाउ इट इज, स्पिरिट कैसे है भाई, आई एम वेरी श्योर कि व्हाट द हेल, न्यू अपडेट इज अवेलेबल, स्पिरिट के कौन से एविडेंसेस है भाई मेरे वो, अबे यार मैंने घोस्ट राइडिंग चेक ही नहीं किया, मैं कितना बड़ा गवार हूँ, एंड यार फुटस्टेप्स तो मिले थे यार, प्लीज डोंट टेल मी कि फुटस्टेप्स जो है वो लाइक एप्लीकेबल नहीं है ऐसा कुछ है, ये तो गलत बात नहीं है ये। ओके गाइस सो मैं आ चुका हूँ एक और बार फिर से, एंड ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो का ये वाला पार्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एकदम दोपहर में, विच इज़ लाइक 6 आवर्स आफ्टर आई रिकॉर्डेड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सो आप बेसिकली यू नो सम वर्क के मत, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था। सो दोपहर का टाइम हो रहा है एंड एज यूजुअल मेरे बैकग्राउंड में आप लोग कृपया कार्स के हॉन्किंग का आवाज़ यू नो इग्नोर कर दे। सो एनीवेज विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट मी जस्ट गो बैक इन टू द विलो स्ट्रीट, तो हमारा डिफिकल्टी भी सेम ही है और हमारा चैलेंज भी सेम ही है। ओके एंड बाय द वे मैंने गेम अपडेट किया है और गेम में कुछ नए बग फिक्सेस आए, यू नो नथिंग स्पेशल, सो नथिंग टू बी वर्ड अबाउट। ओके सो इसमें कुछ है क्या, नहीं इसमें कुछ नहीं है, ओके ऑल राइट इसमें कुछ नहीं, इधर पे घोस्ट और घोस्ट और घोस्ट और, आई जस्ट हर्ड फुट स्टेप्स, आई डोंट नो वाई बट आई जस्ट हर्ड फुट स्टेप्स, ओके मे बी मेरा बहम है या फिर मैं अपने खुद के फुट स्टेप्स ही सुन के ऐसा वो कर रहा हूँ, ओ मेरे पास कैमरा नहीं है, ओके ऑल राइट सो कोई नहीं, मैं उसका पिक्चर बाद में ले लूँगा, वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि आई एम नॉट एमिंग फॉर अ परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन और समथिंग लाइक दैट, नॉट नॉट दैट आई केयर। ओके सो इधर ये है,
तो फिर बेसिकली ये इनमें से किसी एक को छूने वाला है, इनमें से किसी एक डोर को टच करने वाला है। तो यू नो मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। अब यार इसने सामान फेंका रहा है अभी भी कुछ। कोई नहीं, मैं ज़रा नीचे जाके वो करके आता हूँ, ब्रेकर बॉक्स ऑन करके आता हूँ, नहीं तो मेरा सैनिटी कैसे तक हो जाएगी। कितना बदतमीज भूत है यार, मेरे पास जब कोई इक्विपमेंट नहीं रहता ना तब भी इसको ये सब कांड करना पड़ता है, कसम से कह रहा हूँ मैं, दिमाग खराब। हाँ भाई, तो हॉर्न बजा दे मेरे घर के सामने। ये कर लो पहले, जब मैं बेसमेंट में आ चुका तो बोनर ढूंढ लेता हूँ। बोनर बोल रहा है यार मैं, बताओ जी, बोन ढूंढ लेता हूँ। आई मीन उल्टी सीधी बातें नहीं बोलते एंटिटी। एनी वेज वट एवर, सो इस साइड में नहीं, इस साइड में तो कोई बोन वगैरह नहीं मिल रहा है, लेकिन ना इधर पे मैं घोस्ट को लाइक लूप कर सकता हूँ, एंड लूपिंग अ घोस्ट इज समथिंग आई हैव नेवर बीन गुड एट। तो या इट इज़ वेल, मैं सीख जाऊँगा, कोई नहीं, बट टाइम मैं सीख जाऊँगा। खैर फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ और कैमरा लाता हूँ और क्रूसिफिक्स लाता हूँ। आई थिंक आई डोंट रियली नीड टू यूज़ दी कर्स्ड ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मिल चुका है हॉन्टेड रूम। अब बस मुझे कैमरा लाना है, क्रूसिफिक्स लाना है, ग्लो स्टिक लाना है, ये तीनों चीज़ें लानी है। सो क्रूसिफिक्स एक मैंने इधर फेंक रखा था, ये दो मुझे। और कैमरा, ये वाला कैमरा नहीं चाहिए मुझे, ये वाला कैमरा दो। और क्या चाहिए था मुझे, ग्लो स्टिक, राइट। सो आई नो कि मुझे सबसे पहले बुक वगैरह लेना था, लेकिन आई एम ट्राइंग टू डू दिस एज फास्ट एज पॉसिबल, क्योंकि यू नो आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो ऑफ फैस्मोफोबिया। सो एनी वेज आई एम नॉट गोना स्पॉयल दैट, आई एम गोना कीप दैट फॉर अनदर टाइम। सो इसने ये वाला डोर पटच किया क्या? सो कुछ इस टाइप से इधर रहता है क्या? वो कैसा रहता है डायगनली? और बाकी देखते हैं अभी कौन सा वो टच करता है, वो कौन सा वो टच करता है क्या होता है, आई मीन कौन सा डोर टच करता है वो। मुझे एक और बार ना चेक कर लेना चाहिए कि ये बाथरूम वाथरूम में तो नहीं है। श्योर हो जाओ, व्हाट द हेल, ओके श्योर हो जाओ मैं एक बार। तो लेट मी जस्ट, इधर कितना चल रहा है, 7.2 नहीं 3.4, सही है, अभी भी ये रूम है इधर पे। हाँ नहीं, रूम तो भी वही है खैर। तो रूम जब यही है तो फिर मैं इसको ड्रॉप करके इसको लेता हूँ। बहुत ही लाइक डोर टच कर रही है। ओके 1 2 3 4 5 नहीं। सो वेल ओके, तो इसने ये भी बंद ऑन किया था। सो मेयर तो ये कतई नहीं है, ठीक है। मेयर है भी क्या? मेयर के पास मुझे नहीं लगता कि मेयर के पास फिंगरप्रिंट होता है। वेल मैं कुछ भी बुक पक के जा रहा हूँ बिना जाने। सो मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ ना, मुझे पता है मेयर के पास फिंगरप्रिंट होता नहीं। ओके तो इट इज़ नॉट अ मेयर। ओके अब 3 डिग्रीज तक मैं टेम्परेचर गया था, सो मुझे नहीं लगता कि मेरा लाइक वो मिलने वाला है, मुझे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग मिलने वाला है। क्योंकि अगर फ्रीजिंग पे जाना है होता है तो फिर नॉर्मली 1 डिग्री ऐसा कुछ मिलता है स्टार्टिंग में। खैर कोई नहीं, 3 डिग्रीज ऑल्सो प्रिटी प्रिटी यू नो कन्विंसिंग। फिलहाल मैं इसको इधर ड्रॉप कर देता हूँ। और ऑब्जेक्टिव कैमरा बाय द वे, ऑब्जेक्टिव इज डिटेक्टेड पैरानॉर्मल साउंड एंड पैराबोलिक माइक्रोफोन, गेट अ घोस्ट टू ब्लो आउट अ कैंडल, कैप्चर ए फोटो ऑफ द घोस्ट। इन लोगों ने जो कैंडल वाला ऑब्जेक्टिव दिया है ना, मेरे को शक हो रहा है कि ऑन जीरो तो नहीं है। ऑन जीरो का ऑप्शन भी है क्या? ऑन जीरो का ना, ऑन जीरो का पास ऑप्शन नहीं है। सो आई गेस आई एम गुड टू गो। ओके तो अभी मैं थोड़ा सा कांड करने वाला हूँ। कांड क्या करने वाला हूँ, स्पिरिट बॉक्स यूज़ करने वाला हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं जल्दबाजी में कैसा बोलता रहता हूँ। ओके आर यू देयर, आर यू क्लोज, वेर आर यू, कैन यू हियर मी, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विथ माई गॉड डैम स्पिरिट बॉक्स यार। वॉइस रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हो रहा है मेरा सुबह से? वेर आर यू, आर यू क्लोज, कैन यू हियर मी? ओके इट्स नॉट एंसरिंग, सो आई गेस नहीं है। आई एम गोना चेक दिस स्पिरिट बॉक्स अगेन लेटर यूजिंग द टेक्स्ट। व्हाट द हेल मैन, लाइक कम ऑन मैन, मेरा मेरा माइक्रोफोन के साथ ऐसा क्यों होता है? हर बार मेरे माइक्रोफोन के साथ ये कांड होता है। अबे डिड इट जस्ट टच अ डोर इन दिस साइड? अबे रूम तो चेंज नहीं कर लिया ना, या फिर रूमिंग ज्यादा है सोच रहा खाली। व्हाट व्हाट भाई, कभी कभी ये दरवाजों में इतना आवाज करता रहता है ना कि लाइक या ब्रो कम ऑन मैन। बाय द वे गैराज में एक हाइडिंग स्पॉट, आई जस्ट रियलाइज दैट। सो अब तक क्या आया है, लाइक मुझे लगता है मेरे को एक और क्रूसिफिक्स लगाना ही होगा सामने की तरफ जस्ट टू बी सेफ।
तो मैं जरा फटाफट क्लूज भी लेके आता हूँ। ये घोस्ट एविडेंस तो दे रहा है, आई मीन एविडेंस मतलब क्या, डोर तो बहुत टच कर रहा है लेकिन डोर टच करके मुझे सिर्फ फिंगरप्रिंट मिलने वाला है। सो अब यार मैं ई एम एफ रीडर के लेके आ गया, मैं काम करता हूँ, मैं ई एम एफ को अंदर ही फेंक के देता हूँ। नाइस, अब मुझे सॉल्ट लेके आना है और वो भी लेके आना है, क्या कहते हैं, हाँ नहीं मैं भूल गया मुझे क्या लाना था। अच्छा हाँ, मुझे क्रूसिफिक्स लाना था और सॉल्ट भी लाना था। मैं एक मोशन सेंसर ऐड करना भूल गया, बट आई डोंट थिंक दैट विल मेक एनी डिफरेंस व्हाटसोएवर। हाँ कैंडल भी तो चाहिए था ना मुझे, तो ये भी दे दो। आई एम प्रीटी श्योर कि मैं इधर कुछ और भी लाने आया था, बट आई डोंट केयर दिस पॉइंट। तो एनीवेज कैंडल से मैं इधर प्लेस करके देता हूँ। आई होप कि कैंडल इधर पे प्लेस करूँगा तब काम बन जाएगा, एंड लाइक दिस। तो फिर मैं इसको लाइक हाँ इसको मैं फिर थोड़ा सा आगे की तरह कर देता हूँ, राइट हेयर। ए आई थिंक इट्स व्हाट द हेल मैन, स्टॉप, वेट ए मिनट, डिड इट जस्ट फ्रीकिंग चेंज रूम्स? यस इट डिड। नानी ये तो गलत बात नहीं हो गया, ये डोर तो, ये डोर तो वैसे इस रूम का ये वाला टच कर रहा है, सो फिर इन थ्योरी यहाँ कहीं नहीं होना चाहिए या फिर बस उसका रोमिंग ही ज्यादा है। ओके या इधर आ गया, नहीं इधर नहीं आया, व्हाट द हेल, वो कह रहा है ये, ओ हेलो भाई इस रूम में है क्या? अबे यार ये इस रूम में आ गया है, इसकी इतनी बार चेंज करना होता है ना, ये दिमाग खराब ना मेरे को बिल्कुल पसंद। ओ नहीं 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 प्लीज प्लीज स्टॉप टर्निंग द कंप्यूटर ऑन। बताओ जी भूत आजकल गेमिंग सेटअप फ्लेक्स कर रहा है मेरे को, बताओ यही दिन आ गया है गोस्ट ऑर्ब है या बाहर स्नोफॉल चल रहा है लेकिन आई कैन सी इट क्लियरली कि घोस्ट ऑर्ब हो रहा है। तो फिंगरप्रिंट मिला और घोस्ट ऑर्ब मिला है, सो आई गेस मुझे इस रूम में आके फटाफट से वो करना चाहिए। स्पिरिट बॉक्स, लेट मी जस्ट क्विकली टेक्स्ट करने दो। नाइस, आर यू फ्रेंडली, वेयर आर यू माई फ्रेंड, वेयर आर यू, बता दे जी। यार फिंगरप्रिंट मिल गया यार, घोस्ट ऑर्ब भी मिल गया। अबे दरवाजा मत बंद किया कर यार, आई मीन लाइट दरवाजा क्या है बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसे इज इट स्टिल द रूम? यस इट इज। ओ भाई इसको कंप्यूटर के साथ तो अलग ही फैसिनेशन है भाई, क्या चाहिए तेरे को? अबे ये कंप्यूटर को बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ क्यों, क्या बंदा है ये, इसने लिटरली कंप्यूटर को दो बार टच किया भाई, मैं कसम से। फिंगरप्रिंट, व्हाट द हेल, फिंगरप्रिंट किधर से मिल रहा है? एक मिनट, होल्ड ऑन, फिंगरप्रिंट क्या बात कर रहे हो तुम भाई? क्या नहीं, ओ भाई मुझे पता नहीं था यार कि तुमको कीबोर्ड में भी फिंगरप्रिंट मिल सकता है, दिस इज न्यू। ओके आई गेस आई एम स्टिल अ नूब फॉर दिस गेम, आई मीन एट दिस गेम, नॉट फॉर दिस गेम, माई इंग्लिश इज ऑल्सो नूब। Let me just put this here, क्योंकि just in case it decides to switch the room again. इधर रख देता हूँ, it is still this place, right? 5, 2, पूरा रूम ही है क्या ये, बट टेम्परेचर तो इधर कम आ रहा है। सो फार फिंगरप्रिंट मिला है और घोस्ट ऑर्ब भी मिला है, सो बांशी हांटू एंड ओबाके। अब हांटू अगर होता है तो फिर इसको फ्रीजिंग टेम्परेचर देना ही देना होता है, सो हांटू तो नहीं है। एज फार एज ओबाके इज कंसर्न्ड, तो ओबाके फिंगरप्रिंट देता है 6 उंगलियों वाला, लेकिन वही बात है ना कि वो फिंगरप्रिंट देने के बाद चेंज भी तो कर देता है ना। एंड बांशी के लिए मुझे पैराबोलिक माइक्रोफोन में सुनना होगा। ओके सो मुझे अभी दो चीज़ें करते रहना होगा, एक है ग्लो स्टिक दे दो, दूसरी है मुझे ईएमएफ रीडर दे दो। द मोमेंट इट टचेस अ डोर आई हैव टू लुक एट द फ्रिकिंग फिंगरप्रिंट। ओके चलो
डोंट टच कर अबे आई एम रेडी तुम डोर टच करो मैं उबा के कंफर्म करने वाला हूँ ठीक है अगर टच करने के इमीडिएटली अगर मुझे 6 उंगलियों वाले फिंगरप्रिंट्स मिले तो समझ जाना ये हमारा प्यारा दोस्त उबा के है ओके उसने कैंडल बुझा दिया एक और बार करता हूँ मैं आई गेस नहीं छोड़ू जरूरत नहीं है और नहीं तो है नहीं तो यू नो कोई यूज़ नहीं है जिधर पे मैं नहीं रहूँगा उधर पे ही देगा ये आके चेंज कर देना रूम आई गेस या रूम चेंज हो गया मेरा बे कवार कहीं का इधर है क्या रूम अब नहीं है इधर व्हाट द हेल वेरी गुड इधर है नहीं अब रूम किधर गया इसका तो फ्रीजी नंबर नहीं है तो हांटू नहीं है तो मुझे बेसिकली जस्ट इमीडिएटली मेरे को बैंशी का स्क्रीम आया एंड दिस इज द बैंशी ओके ऑलराइट सो आई गेस इट वाज इजी एनफ आई रियली होप ये बैंशी है और मिमिक नहीं है एंड दिस इज बाय द वे द फर्स्ट टाइम मुझे इस गेम में बैंशी का स्क्रीम सुनने को मिला है सो इट वाज ए फन एक्सपीरियंस बट एट द सेम टाइम अ वेरी क्रीपी एक्सपीरियंस एज वेल अब देखते हैं बाकी क्या होता है इफ इट रियली इज ए बैंशी हो जाएगा शायद से लेकिन गोस्ट और था यार वही बात है ना मिमिक भी तो हो सकता है मेरा ठीक से वॉइस भी काम नहीं कर रहा था सो आई गेस या इट्स इट वाज अ बैंक सो इट आई गेस आई डिड इट मे बी नॉट मेरा चैलेंज तो कंप्लीट हो ही गया होगा आई थिंक रुको यार मेरा चैलेंज कंप्लीट क्यों नहीं हुआ ओए ओए कबार वीकली टास्क अर्न परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन वेट अ मिनट वीकली टास्क अर्न परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन बोनसेस और ननाट अबे यार मुझे लगा कि मेरे को नाइटमेयर मोड में 3 बार करेक्ट घोस्ट टाइप ढूंढना पड़ेगा लेकिन नहीं मैं तो हीरो बनूंगा अबे गवार घूमना मैं एक नंबर का मेरे को लाइक फिंगरप्रिंट बोन सब ढूंढना था बट कह रहे निवेश कोई नहीं दिस वीडियो वॉज नॉट इन वेन क्योंकि आई डिड हैव सम फन क्योंकि मेरे को बिगिनिंग में डीमन मिला था सो दैट इज़ अ रियली अमेजिंग थिंग सो या आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो और आपको वीडियो पसंद नहीं होगी तो फिर चैनल को लाइक करना वीडियो को सब्सक्राइब करना आई थिंक आई जस्ट सेड द ऑपोजिट थिंग अगेन वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आई एम गोइंग टू बी सीइंग यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अंटिल देन टेक केयर गुड बाय कल मेरा बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाला है सो या आफ्टर दैट आई होप कि मैं एक्टिव रहूँगा और भी ज़्यादा यूट्यूब में तब तक के लिए गुड बाय最初の